मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का दोबारा सख्त लॉकडाउन का इंदिया। कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है, एसओपीज पर अमल दरामद ना हुआ तो लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी की जाएगी, एहतियाती तदाबीर ना अपनाई तो बड़ा सानहा हो सकता है। अवाम बीमारी रोकने का सबब बने, फैलाने का सबब ना बने। मुशीर इत्तला'आत के पी अजमल वजीर ने भी खबरदार कर दिया, कहा कोरोना की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, कोरोना अगर तेजी से फैला तो फौरी इकदाम करना होंगे, बचने का वाहिद हल और इलाज समाजी दूरी है। और सिंध में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 443 मरीज सामने आ गए, दो मरीज जिंदगी की बाजी हार गए, 205 की हालत तश्वीशनाक। आज मजीद 614 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौट गए, कोरोना पर जल्द काबू पाएंगे वजीर आला सिंध पुरुमीद। मुराद अली शाह कहते हैं कि कोरोना कंट्रोल करने के बाद मुआशी बहाली पर तवज्जो देंगे। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का दोबारा सख्त लॉकडाउन का इंदिया। कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है, एसओपीज पर अमल दरामद ना हुआ तो लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी की जाएगी, एहतियाती तदाबीर ना अपनाई तो बड़ा सानहा हो सकता है। अवाम बीमारी रोकने का सबब बने, फैलाने का सबब ना बने। मुशीर इत्तला'आत के पी अजमल वजीर ने भी खबरदार कर दिया, कहा कोरोना की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, कोरोना अगर तेजी से फैला तो फौरी इकदाम करना होंगे, बचने का वाहिद हल और इलाज समाजी दूरी है। और सिंध में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 443 मरीज सामने आ गए, दो मरीज जिंदगी की बाजी हार गए, 205 की हालत तश्वीशनाक। आज मजीद 614 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौट गए, कोरोना पर जल्द काबू पाएंगे वजीर आला सिंध पुरुमीद। मुराद अली शाह कहते हैं कि कोरोना कंट्रोल करने के बाद मुआशी बहाली पर तवज्जो देंगे। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का दोबारा सख्त लॉकडाउन का इंदिया। कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है, एसओपीज पर अमल दरामद ना हुआ तो लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी की जाएगी, एहतियाती तदाबीर ना अपनाई तो बड़ा सानहा हो सकता है। अवाम बीमारी रोकने का सबब बने, फैलाने का सबब ना बने। मुशीर इत्तला'आत के पी अजमल वजीर ने भी खबरदार कर दिया, कहा कोरोना की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, कोरोना अगर तेजी से फैला तो फौरी इकदाम करना होंगे, बचने का वाहिद हल और इलाज समाजी दूरी है। और सिंध में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 443 मरीज सामने आ गए, दो मरीज जिंदगी की बाजी हार गए, 205 की हालत तश्वीशनाक। आज मजीद 614 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौट गए, कोरोना पर जल्द काबू पाएंगे वजीर आला सिंध पुरुमीद। मुराद अली शाह कहते हैं कि कोरोना कंट्रोल करने के बाद मुआशी बहाली पर तवज्जो देंगे।